एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। मांगलिक दोष जितने भी 1, 4, 7, 8, 12th हाउस में बन रही है, सारे हाउस में होने की एक एक पॉजिटिविटी भी होती है। 4th हाउस में होने से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकती है, पर 4th हाउस में मंगल है या 7th हाउस में मंगल है और आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हो, तो उसके साथ साथ आपकी निगेटिविटी भी ट्रिगर होने लगेंगे कि ओके, आपकी ये जो मांगलिक दोष है आपको आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम कर रहा है, आपको आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम कर रहा है। 8th हाउस में मंगल है और आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, आपने अपनी हेल्थ की कोई ध्यान नहीं रखा है, तो पता चलता है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ में भी कोई ब्लिस नहीं है। और क्योंकि उनमें इतना एग्रेशन लेवल है, इतना एक्शन ओरिएंटेड है वो लोग, तो उनको हमेशा लगता है कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज। सो दे शुड गो फॉर स्पोर्ट्स एवरी डे, गो फॉर सम एक्सरसाइज। आप जिम नहीं जाते हो, आप घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए। दुनिया में ढेर सारे जो भी मोटे लोग हैं जिनकी ओवरवेट है वो भी मांगलिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक्शन मतलब खाली वो जिम ही जाते हैं, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। ओके, झगड़ा करना भी एक एक्शन है, तो वो लोग झगड़ेलू भी बहुत बार होते हैं, नॉट एवरीवन एक्चुअली। आपकी रूटीन में एक टाइम बनाइए कि इस टाइम में मैं डेली फिजिकल एक्सरसाइज करूँगा, तो आपकी जो मार्शियन एनर्जी कहीं ना कहीं बर्न होती रहेगी पॉजिटिवली। सो दैट्स द वे यू कैन एक्चुअली डाइवर्ट योर मार्शियन एनर्जी इन योर लाइफ, कि आप थोड़ी बहुत उसमें जा रहे हो। और अगर आप मांगलिक हो, स्पेशली 4th हाउस मांगलिक, मैं बोलूँगी आप सबसे पहले तो आपकी आपके बनती रहेगी प्रॉपर्टी, दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले देखिए कि आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब आप किसी इलिसिट रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, नहीं तो आपकी जो है प्रॉपर्टी आपको कुछ ना कुछ धोखा दे के ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। और 12th हाउस मांगलिक वाले लोग, 12th हाउस मांगलिक वाले लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, उनकी प्लानिंग थोड़ी कम करें और वो थोड़ी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको दे नीड, क्योंकि 7th हाउस में भी एक एस्पेक्ट आता है 12th हाउस मांगलिक पोजिशनिंग से। तो सबसे बड़ी रेमेडी उनके लिए यही है कि पार्टनर की सलाह ले, तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है उनके लिए जो बहुत ही ईजीली वो कर सकते हैं। सो दीज आर द मोर और लेस बेसिक रेमेडीज, बाकी तो हर एक कुंडली के अनुसार टेलर मेड रेमेडी होते हैं। जो बेसिक रेमेडी है एक बहुत अच्छा करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो जब भी कभी बाहर जाए, जब भी कभी कोई काम शुरुआत करे, वन एवर दे आर हैविंग वाटर बिफोर टेकिंग ए सिप, हैव ए लिटिल बिट ऑफ शुगर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो मिठास, क्योंकि दे आर वेरी हार्श, कब हो सकता है वो अंदर से दिल से इतना यू नो हार्श रूड ना हो, पर उनकी जो एग्रेसिवनेस आ जाती है, दे जस्ट कांट कंट्रोल इट, तो एक मिठास बनी रहे। ओके, वो भी मिठास मतलब क्या, विनस, शुगर मतलब क्या, विनस, तो विनस का वो स्मूथनेस आपकी लाइफ में आए। अब जब भी पानी पी रहे हो, थोड़ी सी शुगर ले लीजिए, थोड़ी सी गुड़, वट एवर इट इज अवेलेबल। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो आपकी मांगलिक दोष को 100% मिटिगेट कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, हर एक जो भी रेमेडियल मेजर है आपकी मांगलिक दोष को थोड़ी बहुत बैलेंस कर सकती है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप इन सारे कंसिस्टेंसी के साथ रेमेडी को अपना सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है, ये पूरी एपिसोड सुनने के बाद आपको ज़रूर कोई दिशा मिली होगी कि मांगलिक होने की वजह से आप में क्या चेंजेस आ सकती है, उसको कैसे बैलेंस करना है और किस टाइप के पार्टनर आपको चूज़ करनी चाहिए। सो एस्ट्रोलॉजी कैन डेफिनेटली गिव ए राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon फायर स्टिक पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।